भैया चलते फिरते रहिए, जो अंदर लोग खड़े हैं आप चलते फिरते रहिए, क्योंकि जो बैठे हैं लोग उनको दिखाई नहीं देता है, या तो फिर आप बैठ जाइए यहीं पे। इस वक्त मुकाबला चल रहा है करेडी और मिरियाकरणपुर। दोनों टीमों की बात किया जाए तो मेरा काठी से बराबर की दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा फासला नहीं दिखाई दे रहा है। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने की लालसा लिए दर्शक, बोनस पॉइंट यानी कि चिड़ियाकरणपुर को बोनस के जरिए यहां पर पॉइंट मिलता हुआ। भैया स्कोर बोर्ड में पास डिस्टर्बेंस न रखिए, क्योंकि अगर हमारा स्कोर चूका वहां पे तो निश्चित तौर से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पूरी कमेटी को। चलिए एक टैकल में भी पॉइंट मिलता हुआ टेक आउट किया गया। कोई मिलाकर कहा जा सकता है कि मैच के शुरुआती समय में ही बढ़त बनाने की कोशिश, और अभी अभी हमारी नजर पड़ी है एक ऐसे शख्स के ऊपर, ईशरत प्रधान का आगमन हुआ है। मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। तालियां कमजोर है यार, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये वह ऐसा शख्स है जो खेल के प्रति अपने आप को निछावर करते रखता है। जब भी जरूरत पड़ती है खिलाड़ियों की खासतौर से, वो हमेशा सदैव आगे रहते हैं। मिस्टर ईशरत प्रधान खम्पुर इस वक्त हमारे बीच में है। मैं अपनी कमेटी की तरफ से यहाँ पर उपस्थित तमाम छोटे बड़े बड़े दर्शकों के जाने से आपका इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि आप लोगों को चाहिए करनपुर टीम है और इधर की टीम कनेडी। दिव्या करनपुर और कनेडी के बीच मुकाबला चलता हुआ, हालांकि एक अटेम्प्ट जरूर बोनस के लिए किया गया, क्या वो मिल सकता है? नहीं, उसे सिरे से खारिज किया। ऑल आउट होती हुई यहाँ पर कनेडी की टीम, यानी कि जिस अंदाज से देवन मऊ की टीम खेली थी ठीक उसी को दोहराती हुई नजर आ रही है इस वक्त कनेडी की टीम। आजाद भाई पॉइंट बता दीजिए। पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट है इस वक्त कनेडी का एक, जबकि 10 पॉइंट है दिव्याकरणपुर के पास, 10 और 1 ये है स्कोर, जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है और लगातार अच्छा प्रदर्शन इस वक्त कर रहा है ये रीडर लेकिन इस बार जकड़ में आते हुए सामूहिक टाइमली सपोर्ट मिलता हुआ आखिरकार दूसरा पॉइंट यहां पर मिलता हुआ टीम गरेडी को। छह खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई टीम दिव्याकरणपुर होना फान है, हालांकि पीछे चल रही है गणेडी की टीम, क्या कमबैक कर पाएगी या फिर अपनी गिरफ्त को और मजबूत बनाएगी टीम दिव्याकरणपुर, क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। सामने से ब्लॉक करने की कोशिश और वो ब्लॉक कामयाब होता हुआ साथी खिलाड़ियों के द्वारा। पांच खिलाड़ी कोर्ट में, बोनस का कोई सवाल नहीं यहां पर उठता,
अगर आपको पॉइंट लाना है, अपने आप को बचाना है, तो पॉइंट टच पॉइंट मिलना चाहिए, और टच पॉइंट लेना हो तो आदिल का शिकार आप कर सकते हैं। जिस अंदाज में आज के दिन उनका प्रदर्शन है, काफी गिरा हुआ प्रदर्शन, काफी कहा जा सकता है कि उनके खेल का स्तर काफी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन लगातार उनका शिकार किया जा रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कमबैक करने की जो कोशिश गणेश जी की चल रही थी, काफी हद तक सफलता मिली है, पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ सफलता जरूर हाथ लगी है, क्योंकि अब स्कोर बोर्ड पर 4 अंक का फासला नजर आ रहा है। दुगने फासले से ज्यादा का फासला है जरूर, लेकिन पिछले कुछ टाइम की बात किया जाए तो उसमें 3 पॉइंट लेने में कामयाब रही गरीबी की टीम, जबकि दिव्या करमपुर के खाते हाथ एक भी पॉइंट नहीं लगा है। किक आजमाने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। रेडर दिव्या करमपुर, जबकि पहले आपका खेल चल रहा है, ओहो बीच से यहाँ पर पॉइंट निकालते हुए, हालांकि एक तरकीब खेली थी डिफेंडर ने, हाफ टाइम हो चुका है और पहले हाफ के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर है 11-4। 11-4 का स्कोर। सेकंड हाफ का खेल यहाँ से प्रारंभ होता हुआ, चल रहा है और स्लो चल रहा है, बहुत अटैकिंग खेल नहीं, लेकिन इस बार कामयाबी यहां पर मिलती हुई, डबल थाई होल्ड, कोई मौका नहीं यहां पर रेडर ग्रेडी के पास, एक और पॉइंट मिलता हुआ दिव्या करमपुर को। 5 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त डिफेंड करती हुई गणेशी की टीम काफी पीछे चल रही है। टैकल करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन वो प्रयास बुरा था। हमारे से हाजीपुर, दोनों टीमें तैयार रहेंगी। इस बार पॉइंट मिलता हुआ यहां पर रीडर को, धीरे धीरे समय निकल रहा है और समय जितना तेजी के साथ निकल रहा है, दबाव बढ़ेगा यहाँ पर। दिव्या करमपुर आगे खेल रही है गणेशी के ऊपर, इस वक्त रेडर गणेशी रणनीत के साथ इस वक्त गणेश जी की टीम खेल रही है, उनके लिए ही दुखदायी हो सकता है, क्योंकि खेल की रफ्तार को अगर धीमा करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 मिनट का समय बचा हुआ है और आप बहुत पीछे हैं। हालांकि आप कम बैक कर भी नहीं पाएगी, जिस हिसाब से दिख रहा है इस बार, हालांकि चकमा देने की कोशिश जरूर किया था रेडर ने, लेकिन अच्छी अकलबंदी दिखाई यहाँ पर डिफेंडरों ने। एक बार तो अच्छा लगा कि डुबकी लगा के निकल जाएंगे, लेकिन वो डुबकी उनके काम में नहीं लग पाई। वाह क्या लाजवाब टैकल किया है वहां पर, चलिए एक और पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ, तो कुल मिलाकर इस मुकाबले की लास्ट रन। चलिए हाजीपुर और बीबीआर करणपुर यहाँ पर मैच, साउंड के पास जो खिलाड़ी जो दर्शक खड़े हैं वो वहां से हट जाए, अन्यथा आप कुल नहीं पाओगे, आप बस